रैना जी का बेटा सही में कमाल कर गया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट, सुरेश रैना। और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया है बिलीव। भरत सुंदरसन ने रैना के साथ इस किताब को लिखा है। सुरेश रैना उनमें से हैं जिनको एक्चुअली हम लोग उनका पूरा कैरियर देखे हैं, राइट, सिंस ही ज्वाइंड इंडियन टीम, व्हाट रोल ही प्लेड, उनमें क्या अच्छाई थी क्या बुराई थी। अगर मैं पुराने समय का बात करूं तो उनको, वो जैसे ही टीम में आए उनके फील्डिंग देख के हम लोग उनको रिलेट करने लगे। अच्छा, मोहम्मद कैफ जो उनके पहले आए थे वो भी यूपी से थे और वो बहुत अच्छे फील्डर थे, तो एक नोशन सा बन गया कि जो भी यूपी से आ रहे हैं वो लोग का फील्डिंग बहुत अच्छा है। खैर, जैसा कि हमें पता है सुरेश रैना इज़ फ्रॉम मुरादनगर इन यूपी। एक्चुअल में ये कश्मीरी पंडित हैं एंड एज द स्टोरी गोज फॉर अदर कश्मीरी पंडित, वो कश्मीर से बहुत पहले ही यूपी आ गए थे उनके फैमिली, और उसके बाद उनका सब कुछ मुरादनगर में ही हुआ जहाँ वो अपना क्रिकेट का ट्रेनिंग प्रैक्टिस सब शुरू किया वगैरह। इस किताब में बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग है, बट मैं पहले ही बता दूँ कि ये थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अदर्स। फर्स्ट एंड फर्स्ट जो फिजिकल चेंज है इसमें, ये बहुत पतली किताब है, ठीक है। तो अगर आप ऑटोबायोग्राफी अदर क्रिकेटर्स का पढ़े हैं तो उस मुकाबले ये बहुत ही छोटी सी किताब है, बट इस छोटी सी किताब में ही उन्होंने अपने बारे में वो सारी जानकारी दी है जो आमतौर पे हम लोगों को नहीं पता रहता एक प्लेयर के पर्सनल लाइफ के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है उसका विवरण बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, जैसे उनका लाइफ इन हॉस्टल जहाँ सीनियर्स उन्हें बहुत तंग किया करते थे, जो कि एक रैगिंग वाला चीज़ हमें पता है, सो हर एक हॉस्टल में होता है। ऊपर से वहाँ एक सीनियरिटी का चीज़ था जहाँ लोग जूनियर्स को आगे बढ़ते नहीं देख पा रहे, तो वहाँ का स्ट्रगल के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया मैंने कि किस तरह वो वहाँ धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब वो हॉस्टल से भाग गए, फिर वापस उनके फैमिली और उनके कोच के समझाने पे उन्होंने वापस आया। तो वो एक फेज़ आप पढ़ोगे तो इफ़ यू हैव एवर लिव्ड इन हॉस्टल आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, और आपको कहीं ना कहीं गुस्सा भी आएगा एक सिस्टम में जहाँ अगर रैना जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर ना हो या जो कैरेक्टर के स्ट्रॉन्ग ना हो, ऐसे बहुत सारे प्लेयर होते होंगे जो गुमनाम हो जाते होंगे, ये सब प्रेशर के अंडर में टूट जाते होंगे। और शायद इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इट्स नॉट ओनली द टैलेंट, तुम एक ओवरऑल पैकेज जब होते हो तभी उतने हाईएस्ट लेवल पे जा पाते हो। सो ही प्रूव दैट एंड ऑफकोर्स वी ऑल नो कि वो इंडिया के लिए क्या किए नहीं किए, सो दैट्स अनदर थिंग। सो हॉस्टल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। उन्होंने बॉर्डर गवास्कर स्कॉलरशिप के बारे में भी मेंशन किया है जो मुझे पहले नहीं पता था। तो वी ऑल नो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, बट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी स्कॉलरशिप ही एक होती है जिसमें कुछ चुनिंदा प्लेयरों को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन स्टे करने का, वहाँ पे क्रिकेट सीखने का वगैरह का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ही वॉज वन ऑफ देम जो सेलेक्ट हुए थे। आई थिंक इनके साथ दो और प्लेयर थे, शिखर धवन और वेणुगोपाल राव आदि। सो उनका वो एक्सपीरियंस के बारे में भी वो बहुत ही डिटेल में बताते हैं कि एक नया कल्चर का देख के उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, विच ऑफकोर्स हेल्प्ड हिम इन लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। फिर उनका अच्छे डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस के वजह से उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। इंडियन टीम में भी उनका जो परमानेंट प्लेस नहीं हो पा रहा था इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे फील्डर थे तो वो फील्डिंग के लिए हमेशा बुलाए जाते थे। वो एक जगह ऐसा भी लिखते हैं कि मुझे लोग इसलिए भी सिर्फ जानते थे कि मैं एक फील्डर हूँ, नोबडी माइट हैव सीन मी बैटिंग, क्योंकि मेरा नंबर सिक्सर पे आता था तो ज़्यादातर तौर पर मुझे बैटिंग नहीं मिलता था, बट मेरा एक नाम बन गया था कि सुरेश रैना एक बहुत ही अच्छे फील्डर हैं। उस समय एक रूल आया था जहाँ पे आप सेकेंड हाफ में प्लेयर चेंज कर सकते हो, राइट। तो उस समय भी सुरेश रैना ज़्यादातर मैचेस में खेलते थे, अगर पहले इनिंग्स में बैटिंग कर लिया इंडिया तो दूसरे इनिंग्स में कोई बैट्समैन को बैठा के सुरेश रैना को फील्ड में उतारा जाता था फॉर फील्डिंग पर्पज, तो उसके बारे में भी जिक्र किया है। और एक समय उनको भले ही अच्छा लगता था कि सम वे और द अदर आई एम बीइंग पार्ट ऑफ द टीम, बट उन्हें लगता था कि मैं एक परमानेंट मेंबर नहीं हो पा रहा हूँ, बट उनकी जो फील्डिंग थी वो उनको वहाँ उस पोजिशन पर रखे रहे। 2007 वर्ल्ड कप के बारे में भी बताते हैं कि ड्यू टू इंजरी वो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, बट ही वाज वन ऑफ द प्लेयर जो कि डेफिनेटली उस टीम में रहते। कुछ बातें ऐसी रैना ने बताई हैं जो कि आमतौर पे हमें नहीं पता होती है, और मैं उन्हें सच या गलत के नज़रिए से नहीं देखूंगा, मैं उनका एक पर्सपेक्टिव के नज़रिए से देखूंगा और आपको भी वही बताऊंगा। उन चीज़ों पे आने के पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ड्रेसिंग रूम का एक कहानी वो बताते हैं जहां पे युवराज सिंह ने उनसे एक मजाक किया था, जहाँ पे सबको ही था और अचानक से उनसे पूछा गया था बताओ तुम्हारा करंट इंडियन टीम में फेवरेट प्लेयर कौन है। और ये जैसे एक होता ना कि आप 10 लोगों के बीच में बैठा दिया और पूछे कि अब बताओ वो 10 में से फेवरेट क्या, वैसा एक सिचुएशन था। पर रैना ने अपना
फेवरेट प्लेयर का नाम बताया जो कि राहुल द्रविड़ थे। तो राहुल द्रविड़ पे एक अलग सा चैप्टर भी है इसमें। एक्चुअली बुक का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है जो कि प्लेयर्स के बारे में चैप्टर्स है, सचिन तेंदुलकर पे है, राहुल द्रविड़ पे है, तो इस तरह से भी चैप्टर इसमें दिए गए हैं। तो राहुल द्रविड़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है सुरेश रैना के लाइफ में। तो जो मैं बता रहा था कि कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता है, आमतौर पर एक क्रिकेट फैन नहीं सोचता है, उस तरह की चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। जैसे ग्रेग चैपल के बारे में उन्होंने लिखा है। नाउ ग्रेग चैपल के बारे में कोई भी अगर टॉपिक उठेगा, किसी को भी एक लगता है कि ये वही बंदा है जो इंडियन टीम को बर्बाद करने आया था, ये वही बंदा है जो सौरभ गांगुली का कैरियर बर्बाद कर दिया था, इस तरह की बातें होती हैं। अगेन सच है कि झूठ है मुझे नहीं पता। हम लोग एक न्यूज़ में देखते हैं या किताब में पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे अपना एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं, राइट। तो सुरेश रैना के हिसाब से ग्रेग चैपल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोच फॉर इंडिया, ठीक है। ये उनको बहुत ही हाई रेट करते हैं और इनका मानना है कि वो इंडियन टीम को उस रास्ते पे ले जाना चाहते थे जहाँ से वो हारती कभी नहीं। ग्रेग चैपल का प्रायोरिटी था जीत, और उस जीत के लिए उन्होंने वो सारे चीज़ें की जो शायद उन्हें नहीं करना था या इंडियन पब्लिक को पसंद नहीं आया। एंड वन ऑफ देम इज़ कि वो सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। तो रैना ने वो भी बात की है कि क्योंकि वो इतने प्रोफेशनल थे, उनके लिए सचिन तेंदुलकर या गांगुली बस एक प्लेयर थे, और शायद अगर वो उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट देते तो उनका कैरियर और अच्छा हो सकता था, या उनका जो इमेज है वो आज वो नहीं होता इंडियन फैंस के नज़रों में जो बन गया है। सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा जो एक टॉपिक है, अगेन एक कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हमारा मानना है कि सौरभ गांगुली जब इंडियन टीम के कैप्टन बने तो वहाँ से एक टीम में बदलाव आना शुरू हुआ। दैट वॉज द फेज जहाँ इंडियन टीम एक ग्रोथ के ऊपर आने लगा। नाउ इसके बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो वो जो मैच फिक्सिंग की बात हुई जिसके बाद सौरभ गांगुली को कैप्टनसी दिया गया, या वो 2001 का जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में टेस्ट के बारे में होता है कि किस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक जो रन था उसको रोका था, या गांगुली का वो जो एटीट्यूड था कि किसी से भी लड़ जाओ, किसी से डरो मत, जो कि यंगस्टर्स में बिल्ड हुआ, तो ये सारे हमारे अंदर हमें पता है। वो ही इट वॉज गांगुली वो मेन प्लेयर्स लाइक युवराज, सहवाग, हरभजन, जिसके बारे में आप YouTube पे बोलो, कहीं भी न्यूज़ में बोलो, आपको 50 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन सुरेश रैना के लिए वो गांगुली नहीं थे जो इंडियन टीम को बदले हैं, इट वॉज राहुल द्रविड़। इनका मानना है कि राहुल द्रविड़ ने वो प्लेयर्स बनाए, वो एटीट्यूड बना दिया इंडियन टीम में, जो जिसके कारण हम लोग 2011 का वर्ल्ड कप जीत पाए। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं छुटलाना नहीं चाहता हूँ, ये उनकी राय है। वो ऑफकोर्स क्योंकि इंडियन टीम का पार्ट रहे हैं, वो हम लोग जैसे आम लोगों से ज़्यादा जानते होंगे, बट थोड़ा सा जब हम लोग नेचर वाइज देखते हैं जो राहुल द्रविड़ का नेचर है या जो सौरभ गांगुली का नेचर है, ऐसा फील नहीं होता है कि राहुल द्रविड़ कैन बी दैट एग्रेसिव, राइट। हो सके वो अंदर से हो, बट नेचुरली जो एक वीक टीम को जो स्ट्रांग बनाया, किस तरह से स्टीव वॉक को गांगुली ने वेट कराया था टॉस, किस तरह से फ्रस्ट्रेट कराया, राइट। तो ये सब बातें हैं जो कि ऐसा बार बार फील कराती हैं कि गांगुली ने वो चेंज लाना शुरू किया, बट सुरेश रैना को ऐसा फील होता है कि इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द्रविड़। ये दो टॉपिक जो था मुझे थोड़ा सा अलग लगा। उसके बाद इनका जो धोनी के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में भी बहुत डिटेल में बताते हैं। आप जैसा कि हम जानते हैं कि ये उसी भी रिटायरमेंट लिए थे जब धोनी ने रिटायरमेंट लिया था। तो ये जब आप ये पढ़ेंगे या आपका आज तक जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है, आपको लगेगा कि रैना वो करेक्टर नहीं है जो कि फ्रंट में आके लड़ जाए या लीड करे, राइट। और इसकी अच्छाइयाँ भी है बुराई है। जैसे अगर आप युवराज सिंह को देखते हो या हरभजन सिंह को देखते हो या वीरेंद्र सहवाग को देखते हो, आपको एक फील आता है कि जिस दिन है ये यही है, राइट। किसी से लड़ जाएगा, कुछ भी कर जाएगा, मैच विनर। सुरेश रैना भी एक मैच विनर रहे हैं, बट आज तक हम लोग को हमारे अंदर सुरेश रैना एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, एक बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, बट कभी वो फीलिंग नहीं आया कि ही इज़ द मैन, राइट। शायद एक सपोर्टिंग रोल का एक पिक्चर बनता है जब हम सुरेश रैना का देखते हैं, और वही करेक्टर इनका महेंद्र सिंह धोनी के साथ होता है। इनका जो एक एक्सटेंडेड कनेक्शन रहा है महेंद्र सिंह धोनी के साथ, जो आप इंडियन टीम में बोल दो या IPL में बोल दो, तो एक हमेशा सपोर्टिंग रोल वाला एक प्लेयर दिखता है सुरेश रैना में, कि धोनी लीड कर रहे हैं और रैना सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ माई व्यू। ऑफकोर्स आपका कुछ और हो सकता है। रैना अपने कैप्टनसी के बारे में बताते हैं। उन्हें जिम्बाब्वे सीरीज पे कैप्टन बनने का भी कैप्टनसी भी दिया गया था, जिसके कारण ही इज़ ऑलरेडी रिगार्डेड एज द फॉर्मर इंडियन कैप्टन। सो वो रोल भी उन्हें बहुत ही अच्छा लगा था, एंड ही इज़ थैंकफुल
कि अपने नसीब पे कि उन्हें कैप्टनसी का रोल दिया गया एंड ही डिड वेल देयर उनके हिसाब से. सो दैट इज हिज सो दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग रीड इन दिस बुक. एंड फाइनली हम लोग आते हैं 2011 के वर्ल्ड कप का. सो 2011 के वर्ल्ड कप में सुरेश रैना डिन स्टार्टेड इन द फर्स्ट 11, राइट. सो यूसुफ पठान को प्रेफर किया गया था बट आई थिंक दूसरे या दूसरे नहीं तीसरे मैच में ही सुरेश रैना को टीम में जगह मिल गई थी. तो वहाँ से सुरेश रैना का 2011 वर्ल्ड कप का रोल स्टार्ट होता है. अगेन अगर आपको जैसे हम कहते हैं ना कि सुरेश रैना ने 2011 के वर्ल्ड कप में क्या किया, तो आपको एक दो इंसिडेंट बहुत ही याद क्लियरली याद रहेंगे. इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ युवराज सिंह के साथ मैच फिनिश कर नाउ, उसमें भी अगर आपको याददाश्त अगर आप 10 में से 8 लोगों से पूछोगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में कौन हीरो था क्वार्टर फाइनल में, युवराज सिंह, तो एक सपोर्टिंग रोल का पिक्चर वहाँ भी आ जाता है. वैसे ही सेमीफाइनल में सुरेश रैना ने भी एक इंपॉर्टेंट इनिंग खेला था. इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे तो सुरेश रैना का जो सेमीफाइनल का इनिंग्स था दैट वाज मोर क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू द क्वार्टर फाइनल इनिंग्स विद युवराज सिंह. बट उस टीम का हिस्सा होना उनके लिए बहुत ही गर्व की बात थी एंड ही इज़ हैप्पी कि ही वॉज एबल टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम जो फाइनली 2011 के वर्ल्ड कप जीत पाई. उनकी वाइफ प्रियंका का भी बहुत बड़ा रोल है उनके लाइफ में. प्रियंका एम्स्टरडैम में रहती हैं, वहाँ पे वो एक आईटी प्रोफेशन में हैं. जो सपोर्ट उनकी वाइफ ने उनको दिया है, जैसे आप आमतौर पे हर एक फोटोग्राफी बायोग्राफी में पढ़ते हो, उनका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है सुरेश रैना के लाइफ में. सो ऑल इन ऑल एक अच्छी किताब है, गुड रीड. आई विल से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है आपको किसी भी पेज पे लगेगा कि यार ये क्या है. आई मीन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग. इवन मैं जो दो पॉइंट बोला ग्रेग चैपल और राहुल ड्रैविड वाला, उसको भी ऐसे लिखा गया है जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग या कॉन्ट्रोवर्सियल, मतलब कुछ मसाला नहीं है. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स अच्छे लगे. सो डेफिनेटली इफ यू आर अ क्रिकेट फैन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्लेयर्स यू हैव सीन ऑन टीवीज, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक, राइट. बट लेट मी टेल यू, आप बहुत ज़्यादा इसमें ड्रामा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जैसे आमतौर पर हिंदी मूवीज में होते हैं, या महेंद्र सिंह धोनी की जो मूवी आपने देखी थी, या युवराज सिंह का जो किताब अगर आपने ऑटोबायोग्राफी पढ़ा है, तो वैसा कुछ नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक है. सो या दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय रीडिंग सुरेश रैना'स ऑटोबायोग्राफी. एंड ऑफकोर्स इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब एंड लाइक. थैंक यू.